रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत यूजीसी नेट जेआरएफ में एक और टॉपिक होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में सवाल रहते हैं, कई बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मीटिंग होता है जिसको कहते हैं सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है? ये एक टॉपिक पर होता है, वन टॉपिक एट स्मॉल लेवल, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो एज ए एक्सपर्ट होते हैं, ओके। पार्टिसिपेंट्स एज ए एक्सपर्ट होते हैं, ओके। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? मे बी ये हो सकता है कि एकेडमिक भी हो या फिर एकेडमिक नहीं भी हो, ये दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। ये एट लार्ज लेवल होता है, एट लार्ज लेवल होता है, ठीक है। और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मल मीटिंग होता है, ये फॉर्मल मीटिंग होता है पर्टिकुलर किसी टॉपिक किसी चीज़ को लेकर। पीपल कम फ्रॉम वेरी फील्ड्स, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सेमिनार्स, आप एज एकेडमिशियन बहुत अटेंड किए होंगे। ये एकेडमिक होता है, ठीक है, एकेडमिक फॉर्म होता है इसका, ये जो होता है एकेडमिक फॉर्म होता है, ये रिकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है, होते रहता है, ये 2-3 दिन का भी हो सकता है, रिकरिंग इन नेचर होता है ना। और जब भी होता है ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर होता है, पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड हम इंग्लिश में कहें तो, ओके। और ये यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करते हैं या फिर वहाँ होता है, एक तो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एट अ टॉपिक। और ये इसमें इंक्लूड किया जाता है डिबेट, इसमें इंक्लूड होता है डिबेट होता है पर्टिकुलर टॉपिक पर उसके प्रेजेंटेशन के बाद। और इसको मतलब कहीं रिलेट या फिर कहीं इसको जोड़ा नहीं जाता है, जस्ट इस बस एक डिस्कशन टाइप में होता है, इससे कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है वर्क शॉप, ये भी आपने किया होगा। ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार है, क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार, इसमें होल्ड ऑन प्रैक्टिस होता है या हैंड ऑन प्रैक्टिस होता है, सॉरी हैंड ऑन प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर साइंस बेस्ड है तो लेबोरेटरी वर्क होता है, ठीक है। अब एक और है, वो है पांचवा नंबर, वो है कोलोकियम। ये एकेडमिक मीटिंग होता है, ठीक है। टारगेट क्या होता है इसमें? इसमें कौन होता है? वेल एजुकेटेड बट नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। वेल एजुकेटेड चाहिए लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चलेगा लेकिन एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इतने तरह के मीटिंग्स होते हैं एकेडमिक्स में जो कि आपको जानना चाहिए। इस पर क्वेश्चन रहता है, पूछ लेता है कोलोकियम क्या होता है, चार ऑप्शन दे देगा, वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, ठीक है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत ये भी एक है, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का आखिरी वीडियो है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।